हेलो फ्रेंड्स मोटरल अकेडमी आपका स्वागत है आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं किडनी फंक्शन टेस्ट सो फ्रेंड्स जो हमारे के एफ टी जो भी हमारे जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर किडनी क्या फंक्शन करती है उसका क्या वर्क है हमारी बॉडी के अंदर आज वो हम डिस्कस करेंगे सो यू हैव टू किडनीज ऑन आइदर साइड ऑफ योर स्पाइन दैट आर ईच अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ ह्यूमन फिस्ट तो आपकी टू किडनीज होती हैं ठीक है सो जो वन किडनी होती है वो आपकी अपर साइड होती है एंड देन सेकंड किडनी होती है वो आपकी लोअर साइड होती है ठीक है सो जो ये है कि जो आपका स्पाइन होता है, ठीक है जो स्पाइन के जस्ट साइड में ही आपकी किडनी प्रेजेंट होती है सो so, इसका जो साइज है फ्रेंड्स, आपका जो फिस्ट है ठीक है उसके इक्वल होता है सो दे आर लोकेटेड पॉस्टीरियर टू योर एबडोम एंड बिलो योर रिप जो आपका एबडोमन है उसके बिलो में रिककेज के बिलो में वो प्रेजेंट होता है सो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स इज टू फिल्टर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी ब्लड सो क्या करता है ये जो आपके ब्लड में वेस्ट मटेरियल है ठीक है उसको क्या करता है फिल्टर करने का काम करता है हमारा किडनी सो एक्सपेल द फ्रॉम दी बॉडी एज यूरिन तो ये क्या करता है बॉडी से एक्सलरेट भी कर देता है ठीक है जो भी आपका वेस्ट है दी किडनी ऑल्सो हैल्प कंट्रोल द लेवल ऑफ वाटर एंड वेरियस असेंशियल मिनरल्स इन दॉडी सो आपकी किडनी जो है वॉटर लेवल को कंट्रोल करती है ठीक है और बहुत सारे असेंशियल मिनरल्स होते हैं बॉडी के अंदर उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है ठीक है सो इन एडिशन दे आर क्रिटिकल टू द प्रोडक्शन ऑफ सो विटामिन डी रेड सेल्स हॉर्मोन्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर सो क्या होता है अगर आपके यूरिन में ये ऐड हो जाते हैं तो ये क्रिटिकल फॉर्मेशन भी कर सकते हैं लाइक like आपके यूरिन में विटामिन डी ठीक है या रेड ब्लड सेल आ रहे हैं आपके यूरिन में हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं ठीक है इफ योर डॉक्टर थिंक्स योर किडनी मे नॉट बी वर्किंग प्रॉपरली यू मे नीड किडनी फंक्शन टेस्ट अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपका किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है तो काफी ऐसे सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स किडनी के जिसमें डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इसमें एक किडनी फंक्शन टेस्ट है के एफ टी ठीक है इसके काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो परफॉर्म होती है लैब के अंदर सो so इसकी वैल्यू से आप पता लगा सकते हो कि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है ठीक है सिम्टम्स ऑफ किडनी प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम्स के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं सो सिम्टम्स टैथ में बी में इंडिकेट अ प्रॉब्लम विद योर किडनी इंक्लूड्स हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपको किडनी में प्रॉब्लम या सिम्टम्स दिख सकते हैं सो ब्लड इन द यूरिन यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है तब ठीक है फ्रीक्वेंट यूरगेज टू यूरिनेट अब क्या है कि फ्रीक्वेंटली ये आपको यूरिनेशन हो रही है ठीक है आप यूरिन पास कर रहे हो डिफिकल्टी बिगनिंग यूरिनेशन ठीक है पेनफुल यूरिनेशन सो ये क्या होते हैं कि सिम्टम्स होती हैं किडनी प्रॉब्लम्स की टाइप्स ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट अब किडनी फंक्शन टेस्ट भी कई टाइप्स के होते हैं ठीक है जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं टेस्ट की सो द टेस्ट योर किडनी फंक्शन ठीक है योर जी एफ आर टेल्स योर डॉक्टर हाउ क्विकली योअर किडनी आर ंग वेस्ट फ्रॉम यूर बॉडी सो जी एफ आर जो होता है जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं ग्लोबरल फिल्ट्रेशन रेट ये बताता है कि आपकी जो किडनी है वो कितनी जल्दी फिल्टर कर रही है ठीक है प्योरिफिकेशन कर रही है यूरिन एनालिस सो अन एनाइसिस स्क्रीन फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड ब्लड इन दूरिन तो यूरिन में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स ये पता करते हैं कि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन और ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट के अंदर हम लेवल ऑफ क्रिएटिनिन सजेस्टेड किडनी प्रॉब्लम अगर आपकी किडनी के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल हाई है तो ये किडनी प्रॉब्लम हो सकती है अकॉर्डिंग टू दी नेशनल किडनी फाउंडेशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनकेएफ भी कहते हैं अ क्रिएटिनिन लेवल हाइयर देन 1.2 मिलीग्राम्स डेसीलीटर सो फॉर अ वुमेन एंड वन पॉइंट फाइव एम जी पर डेलीटर फॉर मैन इज अ साइन ऑफ अ किडनी प्रॉब्लम अगर मैन का इतना आता है वुमेन का इतना आता है वेल्यू ठीक है तो ये एक किडनी प्रॉब्लम हो सकती है ये हमारा जो नेशनल किडनी फाउंडेशन है ये उनके थ्रू है ठीक है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन डिस्कोम शॉर्ट फॉर्म में बन भी कहते हैं बी यू एन सो दी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट ऑल्सो चेक फॉर वेस्ट प्रोडक्ट इन यूर ब्लड सो जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड के अंदर है उसको चेक करने के लिए हम बी यू एन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं जो कि हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट का एक पैरामीटर है सो BUN टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का मतलब यह है कि आपके यूरिन के अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है ब्लड के अंदर सो यूरिया नाइट्रोजन इज अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन अब जो यूरिया नाइट्रोजन है वो क्या करता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है कॉमन मेडिकेशन इंक्लूडिंग लार्ज डोजेज ऑफ एस्प्रीन एंड सम टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन ऑल्सो इंक्रीज योर बन अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं ठीक है थीके? बहुत हायर डोज में ले रहे हैं एस्प्रिन ले रहे हैं तो ये क्या करता है आपके ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है सो अ नॉर्मल बन लेवल इज बिटवीन सेवन एंड ट्वेंटी एम जी पर डायसी लीटर अ हायर वैल्यू कूड सजेस्टेड सेवलर डिफ डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स तो कुछ नॉर्मल रेंजेस होती है फ्रेंड्स जिनके बीच में अगर वैल्यूज आती हैं तो वो नॉर्मल मानी जाती हैं और अगर उससे ज़्यादा आ रही हैं तो कुछ डिफिकल्टी है बहुत ही कम आ रही हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम है एस्टिमेटेड जी एफ आर सो ग्लोबल फिल्ट्रेशन इज दिस टेस्ट इज एस्टिमेट हाउ वेल योर किडनी आर फिल्टरिंग वेस्ट तो आपकी किडनी कैसे वेस्ट जो फिल्टर कर रही है ठीक है कितना कर रही है सो द टेस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ लुकिंग एट फैक्टर सच एज टेस्ट रिजल्ट स्पेसिफिकली क्रेटनिन लेवल सो इसमें एज भी इंक्लूड है जेंडर रेस हाइट वेट सो इसके अंदर ये चीजें इंक्लूड होती है हमारे एस्टिमेटेड जी एफ आर के अंदर द टेस्ट आर परफॉर्म्ड सो किडनी फंक्शन टेस्ट यूजअली रिक्वायर अ ट्वेंटी फोर आवर यूरिन सैंपल एंड अ ब्लड टेस्ट सो so, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं हमारा जो के एफ़ टी पैरामीटर है फ्रेंड्स उसके अंदर क्या है हम यूरिन प्रोवाइड करते हैं पर कई सारे ऐसे लैब्स होती हैं जो किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर यूरिन रूटीन जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं ठीक है सो ट्वेंटी फ़ोर आर यूरिन सैंपल सो अ ट्वेंटी फोर आर यूरिन सैम्पल इज़ अ करियेटनिन क्लियरेंस टेस्ट ये क्रेटनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है फ्रेंड्स ट्वेंटी फोर आर यूरिन का अगर आप टेस्ट कराने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये टेस्ट एक्चुअल में है क्या किस तरीके से करते हैं सो so, इसका जो प्रोसीजर है वो हमें पेशेंट को डिफाइन करना होता है ठीक है सो इट गिव्स योर डॉक्टर एन आइडिया टू हाउ मच क्रियटन इन यूर बॉडी एक्सपेल ओवर सिंगल डे 24 घंटे के अंदर आपकी बॉडी कितना क्रिएटिन एक्सपेल कर रही है उसका पता लगाने के लिए हम ट्वेंटी फोर आवर यूरिन सैंपल टेस्ट करते हैं ठीक है ऑन द डे दैट यू स्टार्ट दूरिनेशन इन टू यू नॉर्मली वुड वेन यू अगर आप जैसे कि आपने प्रोसीजर स्टार्ट किया तो आप जो मॉर्निंग की फर्स्ट जो यूरिन होगी उसको आप टॉयलेट में फ्लश कर देंगे एंड देन सेकेंड यूरिन से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे कंटेनर के अंदर ठीक है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे एंड नाइट यूरिन यूरिनेट इनटू अ स्पेशल कंटेनर प्रोवाइड योर डॉक्टर सो so, आपका डॉक्टर या आपका क्लिनिशियन जो है आपको एक कंटेनर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको ट्वेंटी फोर आवर यूरिन सैंपल कलेक्ट कर कर रखना होता है सो so, आपने जो है मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल डिस्कार्ड करके सेकंड सैंपल कलेक्ट किया है तो आप अगले दिन की मॉर्निंग सैंपल तक आप उसे कलेक्ट करेंगे ठीक है सो कीप द कंटेनर कैप्ड एंड रेफ्रिजरेटेड ड्यूरिंग द कलेक्शन प्रोसेस अगर आप कलेक्शन प्रोसेस चल रहा है आपका तो उस दौरान आप क्या करेंगे कंटेनर को टाइटली पैक करके आप उसको रेफ्रिजरेट करेंगे मेक श्योर टू लेवल दर क्लियरली एंड टू हैव अदर फैमिली मेंबर इट इज द रेफ्रिजरेटर आपको क्या करना है अपने कंटेनर को प्रॉपर तरीके से लेवल करना है सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ द सेकेंड डे सेकेंड डे की मॉर्निंग का जो यूरिनेशन होगा वो आप कंटेनर में डालेंगे ठीक है सो दिस कंप्लीट दी फोर आवर कलेक्शन प्रोसेस यूरिन कंटेनर सबमिट इन दैबोरेटरी फॉर द टेस्ट प्रोसेसिंग आप क्या करेंगे आपका ये जो आपने मॉर्निंग का जो फर्स्ट सैंपल कलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपका ट्वेंटी फोर आवर कंप्लीट हो जाता है ठीक है सो अब आप क्या करेंगे जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है एज इट इज आप लेबोरेटरी में सबमिट कर देंगे टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल सो बन एंड सीरम क्रेटन टेस्ट रिक्वायर ब्लड सैंपल टेकन इन अ लैब सो जो पैरामीटर्स है फ्रेंड्स के एफ टी के उसके लिए हमें ब्लड सैंपल लेना है तो आप क्या करेंगे लैब के अंदर ब्लड सैंपल कलेक्शन करेंगे सो द टेक्नीशियन ड्रॉइंग दी ब्लड फास्ट फिस्ट ब्लड फास्ट ट्राई टू लास्टिक बैंड अराउंड योर अपरास सो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स आप कलेक्शन वाली वीडियो भी देख सकते हो किस तरीके से हम कलेक्शन करते हैं ब्लड सैंपल कलेक्शन सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टोर्नीट अप्लाई करते हैं सो दिस मेक दिन स्टेंड आउट सो द टेक्निशियन दैन क्लीन द एरिया ओवर दिन अब आप क्या करेंगे उस क्लीन एरिया को क्लीन करेंगे जहां से आपको सैंपल लेना है सो द स्लीपल थ्रू योर स्किन एंड इन टू दिन तो आप क्या करेंगे कि निडल uh, लेंगे उसे पंचर करेंगे सो द्लड विल फ्लो बैक इन टू टेस्ट ट्यूब दैट विल बी सेंट यूर एनालिस सो क्या है कि अब आपके यहाँ होगा कि आप जो ट्यूब यूज करते हैं वो वैक्यूम ट्यूब होती है जब आप वैक्यूटेनर में उसे लगाते हैं तो अपने आप ब्लड फ्लो होता है ठीक है so, सो उसके बाद क्या करना है आपको ट्यूब रिमूव करनी है निडल रिमूव करनी है सो so, उसको क्या करना है आपको बैंडेड करना है एंड देन उनको बोलना है कि बैंडेड उनको कितनी देर में निकालना है ठीक है फ्रेंड्स ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिजीज सो योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब ऑफ कंट्रोल ब्लड प्रेशर इफ द टेस्ट हाइपर टेंशन ठीक है सो अगर आपके डॉक्टर जो है आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ठीक है सो दे विल देो सजेस्ट लाइफ स्टाइल एंड dietary medication तो आपका lifestyle कैसा है आप क्या diet लेते हैं ठीक है morning नी evening night so वो भी आपसे पूछते हैं if there are other causes of your abnormal kidney function test such as kidney stones and excessive use of painkiller your doctor will take appropriate measures to manage those disorders so क्या है, friends कि अगर आप कोई अदर causes भी हो सकता है जैसे कि आप किलर काफी ज्यादा मात्रा में लेते हैं जिसकी वजह से भी किडनी पे इफेक्ट पड़ता है सो so, आपका जो डॉक्टर है वो डिसऑर्डर्स के लिए मैनेज करने के लिए एक अप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस बताता है ठीक है कि आपको कितनी मात्रा में मेडिकेशन लेनी है अगर आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा मात्रा में मेडिकेशंस लेते हैं तो उससे लिवर में जो वैल्यूज हैं वो भी एबनॉर्मल आने के चांसेस होते हैं एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट यू हैव प्रोबेबली नीड रेगुलर किडनी फंक्शन टेस्ट इन द मंथ अहेड तो आपको फ्रेंड्स अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो आपके मंथ के एंड तक हर मंथ में आपको टेस्टिंग की जरूरत है सो दे विल हेल्प योर डॉक्टर कीप एन आई ऑन योर कंडीशन तो इससे फ्रेंड्स कि आपके डॉक्टर आपको चेक करते रहते हैं कि आपकी वैल्यूज घटी है बढ़ी है और आपको मेडिकेशन के लिए लाइफ के लिए सजेशन देते रहते हैं यूरिन कंसेंट्रेशन टेस्ट सो आ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट डिटरमाइन हाउ वेल योर किडनी आर फंक्शनिंग ठीक है तो आपकी जो किडनी है कितनी किस तरीके से फंक्शन कर रही है कैसे फंक्शन कर रही है कितना अच्छा फंक्शन कर रही है वो इससे पता चलता है सो द टेस्ट मे बी यूज टू टेस्ट योर किडनी रिस्पॉन्स टू टू मच फ्लूड इनटेक वाटर लोडिंग सो टू लिटिल फ्लूड इन टेक डिहाइड्रेशन अ हॉर्मोन दैट शुड कंसंट्रेट योर यूरिन एंटी ड्रायोट्रिक हॉर्मोन सो जो आपके ना आपकी जो एक हॉर्मोन प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर एंटी डाइट्रिक हॉर्मोन ये क्या करता है ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है तो ये यूरिन का जो कंसंट्रेशन है ये जो हॉर्मोन है यूरिन का कंसनट्रेशन बढ़ा देता है जिसकी वजह से यूरिन कंसन्ट्रेशन टेस्ट जो है वो हाई आता है उसकी वैल्यू हाई आती है पर्पज ऑफ आर यूरिन कंसनट्रेशन टेस्ट सो योर डॉक्टर में रिकमेंडेड यूरन कंसनट्रेशन टेस्टिंग इफ यू आर यूरिनेशन यूरिनेटिंग टू मच और टू लिटिल सो so फ्रेंड्स क्या होता है कि पर्पज़ जो होता है हमारे यूरिन कंसनट्रेशन टेस्ट का इसका पर्पज़ क्या है कि आपका जो डॉक्टर है आपको यूरिन कंसनट्रेशन टेस्ट क्यों रिकमेंड करता है क्योंकि आपका यूरिन है जो काफ़ी ज्यादा हो रहा है फ्लो या फिर बहुत कम हो रहा है जितना पानी आप इनटेक कर रहे हैं उतना बॉडी से आउट नहीं हो रहा है ठीक है द टेस्ट कैन हेल्प आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद योर किडनी तो ये टेस्ट जो है आइडेंटिफाई कर देता है कि किस टाइप की जो है प्रॉब्लम आपकी किडनी में हो रही है सो द मेन रीजन दिस टेस्ट इज इज ऑर्डर्ड टू सी इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सेंट्रल डायबिटिक अ डिजीज दैट एक्सेसिव यूरिनेशन तो क्या है फ्रेंड्स की ये बेसिकली जो रीजन होता है टेस्ट का ये देखने के लिए होता है कि आपका कोई सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडिस तो नहीं है क्योंकि ये डिजीज जो है वो एक्सेसिव यूरिनेशन कॉज कर देती है ठीक है जब ये डिजीज होगी आपको डायबिटिक इनसेपिडेस्ट तो क्या करेगा आपकी यूरिनेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी दिस फॉर्म ऑफ डायबिटीज कैन अकर वेन अ हेड इंजरी अफेक्ट हाउ योर ब्रेन रिलीजेस एंटी डायोटिक हॉर्मोन तो क्या है फ्रेंड्स की ये क्या करता है अगर कोई डायबिटिक की हेड इंजरी होती है ठीक है तो क्या होता है इस केस में हमारा जो ब्रेन है वो एंटी डायोटिक जो हार्मोन है एंटीडायोटिक हार्मोन जो है वो रिलीज करना स्टार्ट कर देता है ठीक है सपोज क्या होगा कि कोई डायबिटिक पेशेंट है ठीक है क्योंकि डायबिटिक इंसिपिडिस के केस में एक्सेसिव यूरिनेशन हो रही है ठीक है तो अब ये केस उससे रिलेटेड है सो so, जैसे ही आपको कोई इंजरी होती है हेड इंजरी होती है उससे क्या करता आपको है आपको इफेक्ट पड़ता है किसी डायबिटिक पेशेंट को और वो क्या करता है जो हार्मोन होते हैं बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं ये जो है हमारा हार्मोन वो रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है एंटीबायोटिक जो हमारा एडीएच हार्मोन है वो रिलीज होना स्टार्ट कर देता है सो यूरिन कंसेंट्रेशन टेस्ट कैन आल्सो बी यूज टू इवेलुएट सो डिहाइड्रेशन के केस में एंड किडनी फेलियर के केस में हार्ट फेलियर के केस में अदर हॉर्मोन प्रॉब्लम के केस में कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ यूरिने ट्रैक इन्फेक्शन केस में ये इवेलुएट हो जाती है प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट सो ड्रिंक एक्सेसिव फ्लूड अब टेस्ट के लिए प्रिपेयरिंग होने के लिए आपको क्या करना है एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूड को ड्रिंक करना है टेक एडीएच सो विच कैन बी टेकन इन आइदर पिल फॉर्म और नेजल स्प्रे सो हम क्या करते हैं टेस्ट के लिए जब प्रिपेयर होते हैं उससे पहले हम एडीएच इनटेक करते हैं सो so, ये स्प्रे फॉर्म में भी आती है पिल्स भी ले सकते हैं आप इसकी सब so, है हमारा टेकिंग अ क्लीन कैच यूरिन सैंपल अब है जो ये मैथड है फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट uh, होता है हम इसी मेथड से बेसिकली यूरिन सैंपल लेते हैं टेकिंग अ क्लीन कैच यूरिन सैंपल ठीक है सो द यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट रिक्वायर अ क्लीन कैच यूरिन सैंपल सो द गोल ऑफ अ क्लीन कैच इन टू अवॉइड कंटामिनेशन द यूरिन सैंपल विद बैक्टीरिया फ्रॉम योर स्किन आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आपके स्किन पर काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं ठीक है जो किसी चीज़ के भी थ्रू वाटर के थ्रू फूड uh, के थ्रू आपके अंदर जा सकते हैं ठीक है तो ये क्लीन कैच का एक गोल होता है जिसमें कंटामिनेशन फ्री यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं ठीक यू विल बी गिवन अ मॉइस्ड टॉयलेट एंड अ स्पेसीमैन कप फॉर द कलेक्शन तो आप क्या करेंगे कि बिल्कुल ही मॉइस्ट टॉयलेट प्रोवाइड करेंगे एंड स्पेसिमेन के लिए आप उनको कप प्रोवाइड करेंगे ठीक है फॉर द कलेक्शन वॉश योर हैंड थ्रूली विद सोप एंड वार्म वाटर ओपन द कलेक्शन कैप आप क्या करेंगे कलेक्शन कैप को ओपन करेंगे प्लेस द लीड ऑन अ क्लीन सरफेस बी केयरफुल नॉट टू टच द इनसाइड द कप और द इनसाइड ऑफ द लीड अगर आप कैप ओपन कर रहे हैं कंटेनर का तो कंटेनर आप साइड में रखेंगे उसके अंदर टच नहीं करेंगे यूज द मॉइस्ट टॉयलेट टू क्लीन द एरिया अराउंड योर यूरेथ्रा आप यूरेथ्रा के अराउंड अपने एरिया को क्लीन कर लेंगे ठीक है ताकि वहां से कोई बैक्टीरिया यूरिनेशन के टाइम पर ना चला जाए

अब क्या है कि जितना अमाउंट में आपने ये कलेक्ट किया है उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे आप डिस्कार्ड कर देंगे उसमें कलेक्ट नहीं करेंगे सो so, आप उसको कैप करेंगे एंड केयरफुली डू नॉट टच ठीक है आपको टच नहीं करना है इनसाइड कंटेनर एंड देन यूरिन विल बी सेंड टू अ लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग फिर आप क्या करेंगे कि यूरिन को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज देंगे सो फ्रेंड्स हमारा जो किडनी फंक्शन टेस्ट था वो इतना ही था इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर सो किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए जो हम यूरिन सैंपल लेते हैं ब्लड सैंपल लेते हैं उसको हम लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं एंड देन जो हमारा मशीनरी वैल्यूज़ है वो आती हैं ठीक है सो so, इसकी जो वैल्यूज़ हैं फिर रिपोर्टिंग होती है हमारी पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट करती हैं इसकी एंड देन क्या होता है कि रिपोर्ट हमारे पेशेंट के पास जाती है ठीक है सो किडनी फंक्शन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स डायबिटिक भी इसमें इन्वॉल्व होता है ठीक है सो अगर किडनी फंक्शन टेस्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो फ्रेंड्स सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच